नाउ इमेजिन दिस फॉर अ सेकंड, ठीक है, कि एक छोटा सा क्रिएटर आता है एक छोटे से गांव से अपने साथ एक छोटा सा सपना लेके कि भैया एक बहुत बड़ा क्लोथिंग ब्रांड बनाना है, एंड बॉस दिस क्लोथिंग ब्रांड एंड्स अप सेलिंग मोर देन द बिगेस्ट क्रिएटर्स इन द एंटायर कंट्री। पर भैया ये सफर क्या आसान था? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट मोमेंट तक हर चीज में बीटी मिली है भाई। वेबसाइट की प्रॉब्लम, इन्वेंटरी की प्रॉब्लम, डिजाइन की प्रॉब्लम, लॉन्च वीडियो के शूट की प्रॉब्लम, यहाँ तक के कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम। बट देन इवेंचुअली इट ऑल मेड सेंस। क्या हाल है दोस्तों? भाई देखो सच्ची बात करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दोस ऑफ यू ऑल हु डोंट नो मी, माय नेम इज पार्थो शान एंड आई एम 24 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर, कंटेंट क्रिएटर एंड फिल्म मेकर, नाउ बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे। भाई एक बहुत छोटे से गांव से आता हूं, मेरे रूट्स एक बहुत छोटे से गांव से है, पर सपने उतने ही बड़े। अब फॉर द पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग मी लेटली, यू नो फॉर अ फैक्ट कि हम लोग अब आजकल एक नए सफर पे लग चुके हैं, वेयर आई एम व्लॉगिंग एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ, डॉक्यूमेंटिंग एवरी सिंगल डे ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन माई लाइफ। बढ़िया से बहुत मजे आ रहे हैं भाई। बट एनीवे, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, वी विल गेट राइट इनटू इट। टेडिस लगाओ बे, चलो मजा आ गया। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ एग्जैक्टली आई स्टार्टेड माय क्लोथिंग ब्रांड बिलीव क्लोथिंग। अब जो लोग मुझे पिछले कुछ सालों से जानते हैं, तुम लोगों ने देखा कि मैंने ब्रांड ये कैसे एकदम फ्रॉम द स्क्रैच शुरू किया था। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट हाउ इट ऑल स्टार्टेड, why it started, what was the purpose behind it, what all fuck ups I faced while building this brand and how I made this brand what it is today. तो भैया शुरू करते हैं एकदम शुरू से भैया, क्या फालतू की बातें करता हूँ कभी कभी। नंबर वन द आइडिया। अब बॉस ये कहानी है 2018। यार मेरा सिस्टम हमेशा से ना बहुत सिंपल रहा है, अगर मेरे मन, मेरे दिमाग, मेरे दिल में कोई सपना है तो उसको मैं सीधा लिख देता था यार, हमेशा से। एक डायरी में, एक पेन, एक पेपर लेके बढ़िया मैं बस लिख देता था। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता था कि भाई जब ये चीज कर लूंगा तब आके यहाँ पे टिक लगाऊंगा, क्योंकि वो टिक लगाने में मेरे को बड़े मजा आते थे शुरू से। तो यही मैंने किया था भाई 2018 में, वेयर आई रोट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट आई हैव टू लॉन्च माय क्लोथिंग ब्रांड। नाउ माइंड यू दिस वाज इन 2018, ठीक है। और उस द फनी पार्ट इज, जब मैं उस लिस्ट को देखता हूँ आज, मतलब उस चीज में, उस लिस्ट में मैंने जो और चीजें भी लिखी हुई है कि मेरे को 1 लाख रुपए का, 2 लाख, पता कितने लिखे थे, 2 लाख रुपए कमाने और मेरे को अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना है। आई मीन लाइक आज की डेट में ये गोल्स देख के ऐसा लगता है कि यार भाई तब के कितने छोटे गोल्स है, बट दिस इज द जर्नी दैट मैटर्स, ठीक है। तुम लोग मतलब तुम ये चीज सोच रहे हो भाई कि उस समय पर हम लोग ये चीजें करते थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट लिटिल अकम्प्लिशमेंट कि भाई मेरे को टिक लगाने को मिल जाए, बस बड़े मजा आएंगे। वो टिक की वजह से अप लोग क्या क्या नहीं करते थे बॉस। तब मैंने लिख लिया था भैया अपने कि भैया 2018 में मेरे को अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना ही करना है। तो दैट वाज व्हेन इट ऑल स्टार्टेड। अब उसके बाद कि भैया तुम लोगों को मेरी कहानी पता ही है, ठीक है भैया, हाउ इन 2019 माय लाइफ स्टार्टेड टेकिंग अ लिटिल एक्सपोनेंशियल राइज, हाउ इन 2020 इट केम टू एन ऑल टाइम हाई और उसके बाद एकदम से ही भैया डिप करना शुरू हो गया था, हाउ इन 2021 आई स्टार्टेड गैदरिंग ऑल दोस पीसेस बैक, हाउ इन 2022 आई गेव माय सेल्फ द टाइम टू बिल्ड माय ओन कंपनी, टू बिल्ड माय ओन एजेंसी। तो वही जब तक 2022 पे आया था ना मामला, तब तक मैं अपने दिमाग में काफी स्टेबल हो गया था कि भैया ठीक है, नाउ आई हैव द स्पेस एंड टाइम इन माय लाइफ टू डू द थिंग्स दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू इन माय लाइफ, व्हिच वाज व्हेन आई केम अक्रॉस दैट शीट ऑफ पेपर, ठीक है। एंड मैं कसम से बता रहा हूं भाई, तब तक मैं शायद भूल भी गया था कि मेरे को यार ये मेरे को साला क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर ला है। मैं कैसे बता रहा हूं, मैं तब तक थोड़ा भूल भी गया था, पर एक बार ऐसी भाई रैंडमली खोल के अपनी डायरिया जब देख रहा था तब मैंने देखा, अरे बैच ये तो साला इधर लिखा हुआ है भाई लॉन्च क्लोथिंग ब्रांड, अब तो करने का है। और ये जो देखने वाला सीन हुआ था, ये हुआ था 2021 में, ठीक है, अराउंड 17 सितंबर 2021 आई सॉ दिस लिस्ट एंड आई वाज लाइक कि बॉस 2022 में वी लॉन्च दिस क्लोथिंग ब्रांड। दैट वाज व्हेन वी केम टू स्टेप नंबर 2, व्हिच वाज नोइंग दैट आई हैव टू लॉन्च माय ब्रांड ऑन द 14th मार्च 2022। व्हाई 14th मार्च? बिकॉज़ बर्थडे पड़ता है भैया उस दिन भाई का। एंड 2022 बिकॉज़ इट वाज सपोज्ड टू मार्क द 5-year एनिवर्सरी ऑफ मी क्रिएटिंग वीडियोस। सो मेरे को था कि भैया ये दिन बहुत स्पेशल है, ये साल बहुत स्पेशल है, इस साल ही मैं अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करूंगा। चलो भैया अभी इमोशनल बीटी सारी खत्म, अब तुम्हें प्रोसेस बताता हूं क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनो ध्यान से, ठीक है, बड़े मजा आए। नाउ स्टेप 3, द नेम ऑफ द ब्रांड। तुम लोगों ने देखा ये कि मैं हर बार अपने वीडियोस के एंड में वो वर्ड डालता हूँ स्माइल। तो मेरे को था कि भैया अपना ब्रांड ना किसी ना कुछ कुछ ना कुछ करके या तो शायद इसी वर्ड के अराउंड होना चाहिए, बट देन आई वाज लाइक कि भाई पर्पसफुल नहीं रहेगा, लाइक आई डोंट वांट टू क्रिएट अ मर्चेंडाइज, आई डोंट वांट पीपल टू वेयर माय नेम। मैं ये नहीं चाहता कि भाई लोग इधर उधर घूमे बोले कि भाई ये पारितोष का ब्रांड है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग भैया उस टी शर्ट को पहने, उस हुडी को पहने, उस चेन को पहने और बोले कि भाई बहुत बढ़िया ब्रांड है, तू भी ट्राई कर, ये जा वेबसाइट में। व्हिच वाज व्हाई आई वाज लाइक कि भैया इसका जो एसोसिएशन जो होना है वो मेरे ब्रांड के साथ नहीं होना है, इट हैज टू हैव एन एसोसिएशन विद अ पर्पस। और तब फिर मैंने अपने आप से पूछा कि भैया मेरा कौन से पर्पस के साथ अटैचमेंट है, व्हाट इज दैट वन लाइन, वन वर्ड, वन फ्रेज व्हिच आई अटैच मायसेल्फ टू द मोस्ट, एंड दैट वाज व्हेन आई केम अक्रॉस द वर्ड बिलीव। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वर्ड नहीं था बिलीव, ये फ्रेज है, इट्स ट्रू इफ यू बिलीव, इस
फ्रेज की कहानी बहुत गहरी है. The amount of relevance that this phrase has in my life, it's true if you believe it's. I genuinely wish I could tell it to you right now, पर बॉस अभी मैंने थोड़ा ये ठान लिया अपनी जिंदगी में कि कुछ और बड़ा उखाड़ेंगे. जिस दिन उखाड़ेंगे तब बताएंगे तुम्हें, ठीक है. बट anyway, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि बॉस अपने ब्रांड का नाम जो है वो बिलीव होने वाला है. Now step number 4, coming to the design process of it. भाई अगर तुम लोग मुझे जानते हो, तुम लोगों को ये पता है कि भाई मैं एक नंबर का परफेक्शनिस्ट का 14 हूँ, ठीक है. If I am doing something, there has to be a particular meaning behind it. Otherwise, I am like कि भाई छोड़ो, नहीं करना, करना ही नहीं. तुम लोग ये सोचते होगे कि ये भाई ये बिलीव का वी जो है इन्वर्टेड क्यों है ना? बताता हूँ. So the idea behind this brand was that there are a lot of misfits, lot of rebels, lot of people who are disregarded for having their dreams. ठीक है, हम सब लोगों की अपनी अपनी कोई ना कोई कहानी है यार, ठीक है. सबके कोई ना कोई सपने हैं, पर बहुत लोग मिलते हैं यार इस सफर में जो हमें बताते हैं कि भैया छोड़ यार, क्या सपने सपने देख रहा है तू, बैठ के ये कर रहा है तू, ये कुछ तो कुछ और कर. हमारे सपने सुनेंगे लोग, बोलेंगे कि अबे तू पागल है कुछ की, इतने बड़े फालतू के सपने देख रहा है. यू नो दीज मिसफिट्स, दीज रेबल्स, दीज ड्रीमर्स, ये ब्रांड उन लोगों के लिए. एंड द इन्वर्टेड वी इन द ब्रांड इज भैया हम लोग जो है ये रेगुलर पाथ फॉलो नहीं करते, हम लोग साले उल्टे लोग हैं, ठीक है. अब लोग उल्टा काम करेंगे पर उल्टे तरीके से ही दुनिया को जीतेंगे. सो दिस वाज द आईडिया बिहाइंड द डिजाइन. अब ये फॉर मी द नेक्स्ट स्टेप वाज टू मेक श्योर दैट आई एम जॉटिंग डाउन एवरी सिंगल थिंग दैट इज नीडेड टू बिल्ड अ ब्रांड. अपना डिजाइन हो गया, अपना डोमेन एकदम सॉर्ट हो गया, ठीक है. अब उसके बाद का क्या प्रोसेस है? उसके बाद शुरू होता भाई काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. नाउ दिस वाज अ प्रोसेस वेयर आई हैड टू चूज व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल विल गो इनटू आवर क्लोथिंग लाइन. अब क्योंकि मार्च का महीना था बॉस, तो मैंने डिसाइड करा कि अपनी दो टी-शर्ट्स निकालेंगे, एक ब्लैक और एक ब्लैक एंड व्हाइट. द आइडिया बिहाइंड दोस डिजाइंस वेरी सिंपल. मेरे को ये लाइन हमेशा से बहुत पसंद थी, आई केम आई सॉ आई कॉन्कर्ड. तो मैंने इसमें बहुत बढ़िया से एक कंसेप्ट लगाया कि भैया आई केम आई सॉ, सौ को काट के हम बिलीव्ड लिखवाएंगे. आई केम आई बिलीव्ड आई कॉन्कर्ड. जो कट रहा है दैट इज ऑल्सो एम्ब्रॉयडरी स्टिच्ड, एंड जो बिलीव्ड लिखा है दैट इज ऑल्सो एम्ब्रॉयडरी स्टिच्ड. ये था आइडिया बिहाइंड द व्हाइट टी शर्ट. ब्लैक टी शर्ट का आइडिया भी बहुत सिंपल बॉस की. यहाँ पे सिंपल सिंपल बिलीव लिखा है विद द इन्वर्टेड वी, और वी से पूरा निकल रहा है एक नया पाथ, द पाथ दैट वी रेबल्स, वी मिसफिट्स, वी फॉलो. तो ये दो टी शर्ट्स निकालने का अपना आइडिया था बॉस. डिजाइन अपना सारा सॉर्टेड था. तब मैं एक एक करके एकदम सारा मटेरियल टेस्ट कर रहा था. आई सैट डाउन विद योर फेवरेट नारी, अरविंद भाई एंड मॉडविल एज वेल. अपन सब लोग चार लोग बैठ के एक कमरे में हम लोग बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि भैया हमें क्या क्या, कैसे कैसे, क्या क्या चाहिए. अरविंद भाई गेव मी अ बंच ऑफ ऑप्शंस फॉर द क्वालिटी ऑप्शंस जो हम लोग अपनी जनता को दे सकते थे. पर मैंने तो ये डिसाइड कर लिया था कि बॉस भैया अपनी टी शर्ट जो होगी ना, ये वो टी शर्ट नहीं होगी जो लोग एक बारी में पहन के बस रख दें कि भाई एक बार पहनी, फोटो खींची, पारितोष को भेज दी, बोल दिया कि हाँ भैया तेरा ब्रांड पहन ले और रख दिया. ना इफ यू वेयर दैट टी शर्ट शुड जेन्युइनली मेक यू फील कि भाई मैं तो साला ये रोज पहन सकता हूँ यार. मुझे वो वाली फीलिंग देनी थी अपनी जनता. वंस यू वेयर दिस टी शर्ट यू फील सो फकिंग कंफर्टेबल दैट यू विल राइज कि भाई यार ये है भाई, ये तो क्या बढ़िया चीज है. So that was the idea behind it. I was like, I told this to Arvind bhai very clearly ki bhai I don't care about the costing. Mere ko chahe jitni mehengi price pay karni pade, chahe isme main ek rupee na kamau, you make it with the most expensive cotton that you have without compromising even 1% of that cotton quality. To bhaiya apna pura process sala isi mein gaya. Like we didn't compromise even 1% on the cotton quality, on the stitching quality, on the design, on the printing, kuch bhi nahi. And boss, I still remember that day when I saw the samples for the first time in front of my life. Like, वो जनवरी का टाइम था जब मेरे पास सैंपल्स पहली बार आए थे. मैं गुरुद्वारे गया था, बंगला साहिब गया था, यहीं दिल्ली में नारी के साथ. And when I opened those parcels and I saw those t-shirts inside, although imperfections थे, ठीक है, उस समय पर डिजाइन परफेक्ट नहीं था, स्टिचिंग परफेक्ट नहीं थी, अपनी प्रिंटिंग परफेक्ट नहीं थी, बिकॉज ऑफकोर्स वो सैंपल था, बट पर इट वॉज अ फर्स्ट सैंपल दैट आई वाज सीइंग. और मतलब कसम से उस मोमेंट पे वो देख के ऐसा, मतलब यार मैं कैसे बताऊँ, पता क्या, वो बहुत स्पेशल फीलिंग थी यार. कि मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये इस बच्चे को मैंने जन्म दिया है और अब मैं इसको अपने सामने खोल रहा हूँ और भगवान के सामने बस रख रहा हूँ ये बोल के कि भाई ये मेरी मेहनत है, पर इस पूरी मेहनत का जो क्रेडिट है वो तुझे जाता है, क्योंकि तूने मुझे वो ताकत दी कि मैं आज यहाँ इस मुकाम पर खड़ा रहूं और ये बोल सकूं कि हाँ भैया डटा हूं, खड़ा हूं, जो भी दुनिया ने बोला फिर भी वो कर रहा हूं जो मुझे पसंद है. भैया देन स्टार्टेड आवर प्रोडक्शन फेज, ठीक है. वहां से हमारा प्रोडक्शन फुल फ्लेज्ड एकदम शुरू हो गया था, क्योंकि जब अपन लोगों को सैंपल्स मिल गए, जब उस पे अपन लोगों ने बैठ के रिविजन पूरे सॉर्ट कर लिए, तब अपने को पता चल गया कि हाँ भैया ठीक है, अपने को ये प्रोडक्ट चाहिए, अपने को ये ऐसे बनाना है, बस. वहां से सब कुछ एकदम बढ़िया एक लाइन में चलता रहा. अब ये बात देखो बॉस कि मेरे पास सैंपल्स आ गए थे जनवरी में और मार्च तक अपने पास बढ़िया 2 महीने का टाइम था. तो तुम्हें तो ये सोच के लग रहा होगा कि हाँ भैया सब सॉर्टेड है ना. भाई सॉर्टेड तो साला कुछ भी नहीं था भाई. जब अपना प्रोडक्शन पूरा निपट गया भाई, दिस वाज अराउंड द 7th और 8th ऑफ मार्च, मेरे पास फाइनल सैंपल आया, ठीक है. फाइनल सैंपल जो अपनी इन्वेंट्री में था, जो उधर से आगे जाना था अब अपनी जनता को, जब वो ऑर्डर प्लेस करते 14th मार्च एंड ऑनवर्ड से. वो पैकेट भाई मैंने घर में बैठ के खोला था,
ठीक है, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट आई वाज जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड दैट मॉर्निंग कि भाई बढ़िया एकदम, भाई ये कार्टन खोल के अपने पैकेट निकालेंगे, यही चीज अपनी जनता को मिलेगी, अभी जितने भी ड्रॉबैक्स 2 महीने पहले देखे थे अब वो सब सॉर्ट हो चुके होंगे। बट भाई द मोमेंट आई ओपनड इट आई सॉ कि भाई इसमें भी स्टिचिंग में थोड़ी कमी आ रही है, इसमें भी प्रिंटिंग में थोड़ी कमी आ रही है, और भाई वहां से जो प्रॉब्लम्स का एकदम भंडार आना शुरू हुआ भैया। भाई लास्ट मिनट तक वी वर नॉट 100% देयर विद आवर डिजाइंस, ठीक है, अपना डिजाइन सैंपलिंग तो मैं एक तरफ रख दो, भाई अपनी वेबसाइट, भाई लास्ट मोमेंट तक आई स्टिल रिमेंबर कि 13th मार्च की रात को, जिस दिन साला मेरा बर्थडे होना था, ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट नारी फॉर दिस मैन, लाइक आई मीन शी ट्राइड हर एब्सोल्यूट बेस्ट टू इंश्योर दैट आई गेट दैट वाइब ऑफ माय बर्थडे, बट मैं अपने जोन में था ही नहीं भाई, मैं गया 12 बजे अपना केक काटा और वापस से फिर गूगल मीट में बैठ गया निशित और वर्णित के साथ, जहां पे हम अपनी वेबसाइट की चीजें फाइनलाइज कर रहे थे शॉपिफाई वगैरह में बैठ के। सोचो मतलब 14 को अपना लॉन्च है और 13th की रात, 14 की रात को आप लोग बैठ के सब चीजें फाइनलाइज कर रहे हैं, 13th की पिछली पूरी शाम को हमने लॉन्च वीडियो का शूट करा है, क्योंकि उससे पहले तक हमारे पास साला फाइनल सैंपल्स ही नहीं आए थे बनके, बाहर गर्मी में बाहर टपरियों में बैठ के हम लोग एडिट कर रहे हैं, क्योंकि भैया निशित और वर्णित के साथ मेरे को ये चीज बैठ के एडिट करनी थी, और वो लोग रहते थे दिल्ली के एक कोने में, हम लोग रहते थे एक कोने में, तो मेरे को था कि भैया हम लोग बीच में मिली किसी भी टपरी में कुछ भी कहीं भी बैठ के बस काम निपटाए अपना फटाफट से, आप लोगों को कैफे वालों ने क्योंकि तब तक पूरा भगा दिया था कि साला तुम लोग पूरे दिल से बैठे हो, एक कॉफी लेके अभी निकलो। भाई तुम लोग ये सोचो यार कि साला अपना कपड़ा फाइनलाइज नहीं, अपना वेबसाइट फाइनलाइज नहीं, अपनी इन्वेंटरी फाइनलाइज नहीं, वहां से साला ट्रेडमार्क की भी चोचले आ रहे हैं, अपना लॉन्च वीडियो कंप्लीट नहीं, उसका भी एडिट बाकी, भाई साहब मतलब 14th को भाई, लाइक ऑन द डे ऑफ माय बर्थडे आई वाज एट अ स्टेज वेयर आई वाज दिस क्लोज टू हैव गिविंग अप, ठीक है, दिस क्लोज टू हैव गिविंग अप कि भाई अभी यार मैं क्यों करूं यार इतना, साला आज मेरा बर्थडे है भाई, बर्थडे साल में एक बार आता है एंड इट्स दिस डे व्हेन यू आर सपोज्ड टू फील अ लिटिल स्पेशल, और मैं यहां साला अपनी गांडी मरवाए जा रहा हूं। भाई वही है साला, भाई मन बचपन से बहुत जिद्दी है यार, नहीं क्यों अंदर से एक वो आवाज आ रही थी कि भाई बस निकाल ले भाई, हाथ ही निकल चुका है, बस पूछ निकाल ले, कुछ नहीं है, थोड़ी देर की बात है, बस कर ले। That was when I decided कि भैया अभी भैया ये 5 साल पुराना सपना है, बीटी आए तो आए, अपन तो साला अब आज लॉन्च करके रहेंगे, ये जिद मानो कुछ भी मानो, कुछ भी मानो, मैं आज तो लॉन्च करके रहूंगा। And that was when we finally launched it. By honestly saying, not kidding at all, like you have no idea how much this brand means to me. ठीक है, like I'm like तुम लोग बोलोगे ना कि भाई तू अपना बैंड भी पहनता है, तू टी शर्टें भी पहनता है, तू ये लॉकेट भी पहनता है, इट्स नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू एंडोर्स दिस ब्रांड, बट इट्स जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू कैरी दीज रिमाइंडर्स विद मी एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, मेरे को मतलब मेरे को अपने आप को बताना है कि भाई लाइक दिस इज माय क्रिएशन, दिस इज व्हाट आई ब्रॉट टू द वर्ल्ड, एंड भाई मोर देन एनीथिंग, ठीक है ये अपना सेल्फिश इंटेंशंस में अगर साइड हटाऊं, द अमाउंट ऑफ लव दैट पीपल शो टू दिस पर्टिकुलर ब्रांड एंड द इंपैक्ट दैट इट हैड इन पीपल्स लाइव्स, देयर वर लिटरली डीएम्स वेयर पीपल सेड दैट दिस ब्रांड हेल्प्ड मी कम बैक फ्रॉम द लोएस्ट फेज ऑफ माय लाइफ एंड आई जेन्युइनली वांट टू थैंक यू फॉर इट। पर भाई यही होता है, मतलब आज की डेट में भी अगर मैं एक लो फेज में जाता हूँ ना, मैं अपने आपको वही चीज याद दिलाता हूँ कि साला तू वो याद कर यार, तू वो उन लोगों को याद कर, उन लोगों को याद कर जिन लोगों को तेरे इस छोटे से सपने ने मदद करी है। I mean like I don't even feel the need to look at the numbers and honestly like our numbers are way more than the biggest creators in the country and I'm so fucking proud of it. Although मैंने उसमें साला एक पैसा ना कमाया क्योंकि मैंने सारा पैसा क्वालिटी पे डाला है, but regardless I wanted to do this for the sake of building a brand that stays in the hearts of the people, that has a purpose attached to it that people relate to. कि भाई ये साला अपना ब्रांड है यार, and that was why we made it man, that was why that is why the name Believe. Yes. Yes, dosto, that was the story of our clothing brand, Believe Clothing. I hope you all took some value out of it. If you're yet to check out the brand, the link is in the description. Jaake dekho, mast ekdam. But boss, if you enjoyed this video, make sure you leave a like, make sure you leave a comment as well. And baaki boss, apna roz ka system to chalta hi rahega, badhiya. Aur bhaiya, agar tum is channel pe naye ho, to make sure that you're subscribing as well. Ki bhaiya, apna roz ka system yahan pe chalta hi rahega. Theek hai? I'm gonna see you all tomorrow, and until then, you know what to do, you know how to do, you know how often to do it. Make sure you're doing it more often. Sigala, smile. बाल सेट नहीं हो रहे यार साला, इसी से करेंगे बाल सेट आज, बढ़िया।